ये है मेरी फाइनली न्यू कार। आज है 18 अक्टूबर और आज बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं। एक्चुअली मैंने बहुत व्लॉग पहले बोला था कि आई एम गेटिंग समथिंग फॉर माई सेल्फ ऑन बर्थडे, तो बर्थडे तो निकल गया 27 सितंबर, और कुछ लोगों ने गेस किया कि मैं कार ले रहा हूँ और कुछ लोगों ने गेस किया कि मैं बाइक ले रहा हूँ। तो फर्स्ट वन, मतलब जो लोगों ने बोला कार ले रहा हूँ मैं, वो राइट है, क्योंकि आज मैं लेने जा रहा हूँ मेरी लाइफ की फर्स्ट एवर कार। तो कौन सी कार ले रहा हूँ, कहाँ से ले रहा हूँ, सब कुछ आगे वीडियो में देखो। एनीवे, वेलकम बैक टू माय चैनल और नए वीडियो में स्वागत है आपका। वैसे आज हेयर वगैरह एकदम परफेक्ट टाइम निकाल के सेट किया है। अभी वो हेलमेट नहीं पहना ना, अभी थोड़ा स्टाइल से रहेंगे, क्योंकि लड़की के पास आने वाली है कार आने वाली, मेरी लाइफ की फर्स्ट कार। तो अभी ग्लेयर्स वगैरह तो लिए, क्योंकि अभी क्लाउडी वेदर है और यहाँ पे तो मैंने बोला था कि कभी भरोसा नहीं, अभी सनी है तो बाद में क्लाउडी हो जाता है। तो यहाँ से अभी बस स्टॉप, और बस स्टॉप से चलो ठीक है आगे देखो, गोप्रो से व्लॉगिंग करता हूँ। सो अभी जस्ट मैंने बस चेक किया, वो है 10:38 और अभी टाइम हो रहा है 10:32, तो और अभी 10 मिनट्स है, और यहाँ से मुझे 40 या 45 मिनट्स लगने वाला है। गूगल माता बता रही कि यहाँ से 45 मिनट्स लगेगा जहाँ पे मुझे जाना है। तो अभी लेट्स सी, आज बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, फर्स्ट टाइम लाइफ में फर्स्ट कार आने वाली है और वो भी सीधा ऑस्ट्रेलिया में, और फर्स्ट टाइम इंटरनेशनली ड्राइव करने वाला हूँ। तो देखो देखो आगे वीडियो में देखो। तो अभी मैं आ गया हूँ चम साइड बस स्टॉप, तो चम साइड मतलब अपना ऊबर इट्स का हब। तो अगर वो वीडियो नहीं देखा तो वो भी वीडियो देखो, और यहाँ से मुझे पकड़नी है 3:30 बस जो 2 मिनट्स में। मैं आया हूँ जिलमेर स्टेशन नहीं सबब, ये सबब का नेम है, और ये सबब में इंडियन कम्युनिटी मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी इंडियन कम्युनिटी रहती है यहाँ पे। तो अभी यहाँ से मुझे 500 मीटर्स चलना है जहाँ से मुझे कार पिकअप करना है। तो फनी थिंग कि भाई आज कार ले रहे हैं बट कार चलानी नहीं आती मुझे, कॉन्फिडेंस नहीं है, समझ रहे हो ना, ऑस्ट्रेलिया में फर्स्ट टाइम कार चला रहा तो वो कॉन्फिडेंस नहीं है। तो प्रॉब्ली ये 1-2 वीक में मैं चलाऊंगा कार तो फिर सीख जाऊंगा, और वैसे भी जो कार है वो ऑटोमेटिक है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अभी देखते हैं, अभी थोड़ा सा बस वहाँ पर पहुँच रहा हूँ मैं, काम करता हूँ, जिसको मिलना है उसको मैं कॉल करता हूँ, पहले बताना तो पड़ेगा कि यहाँ पर आ गए हम। तो ये है मेरी फाइनली न्यू कार, नहीं ये नहीं है, मजाक कर रहा हूँ, अपनी कार वहाँ पे। ये है मेरी न्यू कार निसान पल्सर, और इसके सिनेमैटिक शॉट्स वगैरह देता हूँ, प्रॉपर डिटेल देता हूँ, पहले अभी अंकित भाई से मिलता हूँ, और जो पेमेंट वगैरह का है वो पहले क्लियर करना पड़ेगा। अभी मुझे तो कार ड्राइव करनी आती नहीं है, सो अंकित मुझे हेल्प कर रहा है, मतलब वो वहाँ तक लेके जाएगा। कार को वॉश करने जा रहे हैं हम, तो यहाँ पे एक ऑटोमेटिक कार वॉश है, तो वहाँ पे कार वॉश करेंगे और उसके बाद कार को लेके जाएंगे, और आप लोग को पूरा डिटेल दूंगा मैं कि कितने में मैंने कार ली है, क्या स्पेसिफिकेशंस है, एवरीथिंग। बाकी आज बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं, क्योंकि माय फर्स्ट एवर कार, वो भी ऑस्ट्रेलिया में, और इंटरनेशनली आज फर्स्ट टाइम ड्राइव करूँगा, मतलब सीख रहा हूँ अभी तक। सो अंकित, व्हाट आर यू स्टडिंग हियर? एन MBA. ओके, MBA. एंड वेयर यू फ्रॉम, लाइक ओरिजिनली फ्रॉम इंडिया? हरियाणा. ओके, सो मेन जिसकी कार है वो है विशाल, सो ही इज स्टक इन इंडिया बिकॉज ऑफ दिस कोविड थिंग, तो उनको कार सेल करना पड़ा। ये उनके फ्रेंड है, मतलब ये जो भी कार का था ये सब कुछ मुझे बता रहे थे। सो अभी कार वॉश करने के लिए कार से उतरने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे ऑटोमेटिक वॉश होगा जितना भी है बाहर से, अगर आप देख रहे हो तो कार सामने वाली कार वॉश हो रही है। पे भी अपने इंडियन भाई बंधु ही काम करते हैं, सो स्टूडेंट होते हैं वो ऐसे यूजुअली जॉब करते हैं यहाँ पे, सो कोई काम छोटा बड़ा नहीं है यहाँ पे। पैके कार न्यूट्रल की है और कार जो है वो ऑटोमेटिक आगे जा रही है, आई एम श्योर नीचे कन्वेयर बेल्ट वगैरह कुछ तो होगा वॉश करने के लिए, ये वॉश हो रही है यहाँ से। इन आउट ईजी, लाइक 10 मिनट्स में हो गया, 10 मिनट्स के अंदर क्विक वॉश हो गया कार, एंड वी पेड $9 फॉर दिस। सो बेसिक प्राइस थे कुछ $7 से स्टार्ट,
$9, फिर इट गोज अप टू 20, 30, 40। फाइनली कार घर पे आ गई है। अभी मैं आपको ठीक से डिटेल में पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा, कार कहाँ से ली, क्यों ली, कितने प्राइस है, क्या क्या स्पेसिफिकेशन है, बट थोड़े पहले सिनेमेटिक शॉट्स एंजॉय करो। मतलब कार देखो ज़रा बाहर से, कितनी कितनी मस्त प्यारी कार है। हाँ, तो बाहर से कार कुछ ऐसी दिखती है और मुझे इसका फ्रंट लुक बहुत पसंद आया, बहुत ही अच्छा। और मतलब क्या अच्छा लग रहा है, मतलब फ्रंट लुक अच्छा लग रहा है, साइड से थोड़ी ओके ओके लग रही है, मतलब ठीक है, साइड से एकदम ओल्ड स्कूल कार लग रही है बट ठीक है, अच्छी है। और पीछे से ये कार मुझे बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही है, आई डोंट नो फॉर व्हाट रीज़न, बट अच्छी लग रही है। बट जैसी भी कार है, लाइफ की फर्स्ट कार है, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ आज। ये मैं बोल सकता हूँ मेरे बच्चों को भी कि अगर फ्यूचर में वो कभी मेरे से कार मांगेंगे कि पापा हमें कार लेके दो, तो मैं उनको ये वीडियो दिखा के बोल सकता हूँ कि देखो तुम्हारे बाप ने मेहनत करके खुद के पैसे से फर्स्ट कार ली थी, तो तुम भी खुद के पैसे से लो। तो अभी कार के अंदर बैठ के थोड़ा स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं। सो अभी मैं कार के अंदर, ये क्या है, ये लगता है जो पहले वाला ओनर था उसने, क्या नाम है उसका, अंकित। सो अभी मैं कार के अंदर हूँ, एक मिनट, थोड़ा गर्म हो रहा है तो मैं काम करता हूँ, एसी चालू करता हूँ। क्या कार में एसी भी है ना, एक मिनट, कहाँ से, थोड़ा फर्स्ट टाइम है ना। कार है 2004 का मॉडल और ये है 1.8 लीटर ऑटोमेटिक कार है कम्प्लीटली। सो गियर चेंज करने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे पार्किंग, रियर, न्यूट्रल, ड्राइव और ये 1-2, मतलब बहुत ज़्यादा हील होगा तो मैं सेकंड पे पूरा जोश लेके चला सकता हूँ कार। और कार जो चली है वो है 2,86,000 किलोमीटर। सो ये यूज्ड कार है। अब आप बोलोगे कि 2,86,000 किलोमीटर कार चली है फिर भी राहुल भैया तुमने क्यों ली, तो यहाँ पे देखो कार वगैरह, मतलब यहाँ के लोगों का यूज़ बहुत अच्छा होता है, जैसे कार हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए, तो इट्स बेटर कि यूज़ कार लो, बिकॉज अगर ये न्यू ब्रांड कार लेने जाऊँगा मैं तो इट विल बी वेरी एक्सपेंसिव, बिकॉज उसका रजिस्ट्रेशन एक्सपेंसिव होता है, फिर बाकी सारी चीज़ें, तो बेटर है कि यूज़ कार लो। और यहाँ पे स्टूडेंट्स यूजुअली यूज्ड कार ही लेते हैं बिकॉज वो बहुत अच्छी डील में मिल जाती है। ये कार की प्राइस मैं थोड़ा टाइम में बताता हूँ, पहले और थोड़ी फीचर्स की बात, क्योंकि बहुत ज़्यादा फीचर्स है ना कार में। नीचे मैट है और ये ट्रेन में होता है ना, लोकल ट्रेन में वैसा ये लग रहा है, बट ठीक है, जो भी मैट है अच्छी मैट है। और ये साइड ये चार्जर है, बट यहाँ से भी मैं चार्ज कर सकता हूँ और म्यूज़िक क्या बोलते हैं, मतलब यहाँ से फ़ोन को डायरेक्टली कनेक्ट करके मैं म्यूज़िक बजा सकता हूँ, और एक्चुअल में म्यूज़िक क्वालिटी इसका अच्छा है। और ये ग्लव बॉक्स है, और ये क्या है, ये क्लोथ है, ये है हमारे गणपति बापा, तो ये घर वालों ने बोला कि गणपति बापा का मूर्ति रखो, तो घर वालों की सुनते हैं हम। और यहाँ पे एसी है, ये चार, हाँ ये चार, और ट्रस्ट मी अच्छा हवा रहा है एसी का। ये ग्लव ओ यहाँ पे, अंकित भाई तुम तो पैसे यहाँ पे भूल गए यार, अंकित या विशाल, हाँ विशाल की कार है। कार में सबसे बेस्ट फीचर मुझे लगा कि क्रूज कंट्रोल है कार में, मतलब 2004 की कार है और इसमें भी क्रूज कंट्रोल है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये क्रूज कंट्रोल का बटन है, सो बेसिकली क्रूज कंट्रोल दैट मींस मैं एक स्पीड पे कार को लॉक कर सकता हूँ। बहुत बड़ा हाईवे है और मुझे सेम स्पीड पे कार को रखना है 60 के स्पीड पे, तो मैं अगर क्रूज कंट्रोल ऑन कर देता हूँ और वही स्पीड पे लॉक हो जाएगी तो मुझे एक्सेलेटर पे पैर रखने की जरूरत नहीं है। सो इट्स अ गुड थिंग यार, मतलब सही है, ये बाद में कभी यूज करेंगे, पहले कार सीखना जरूरी है। सो कार में पावर स्टेयरिंग है और पावर विंडो है, सिर्फ विंडो ओपन करते टाइम जो पावर है वो हाथ में लगानी पड़ती है, मतलब ऐसे 1500 में सब एक्सपेक्ट करोगे क्या पावर स्टीयरिंग और पावर विंडो, तो पावर विंडो नहीं है, ये नॉर्मल वाला विंडो है। सो पीछे भी बहुत ज़्यादा स्पेशियस है, पीछे भी बैठते हैं। पहले अभी कार की प्राइस के बारे में बात करते हैं, तो ये कार मतलब 2,86,000 किलोमीटर चली है, निसान पल्सर 2004, सॉरी GoPro बंद हो गया, हाँ, तो ये कार की जो प्राइस है वो है $1,500। यस, तो मैंने $1,500 में ये कार लिया है, बट अभी क्या क्या उसके लिए डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वो बताता हूँ। अगर आपको यहाँ पे आना है ऑस्ट्रेलिया में और अगर कार लेना है, देन दो चीज़ें ज़रूरी है, एक तो रजिस्ट्रेशन और सेकेंड रोडवर्दी के बारे में बताता हूँ। सो रोडवर्दी दैट मीन्स कार मतलब कम्प्लीटली फाइन है रोड पे चलने के लिए, कोई कार में प्रॉब्लम नहीं है, और ये रोडवर्दी सर्टिफिकेट होता है एक। सो कार लेने से पहले आप रोडवर्दी सर्टिफिकेट करना ज़रूरी है, उससे मतलब आप टेंशन नहीं ले सकते। अभी जैसे मैंने ये कार का रोडवर्दी सर्टिफिकेट किया और अपने मैकेनिक, मतलब पहचान का मैकेनिक था उससे किया, और उसने बोला कि कोई कार में प्रॉब्लम नहीं है, मतलब बेसिकली कार पूरी चेक करते हैं वो लोग, कोई प्रॉब्लम होगा तो आपको बताते हैं, और अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो रोडवर्दी सर्टिफिकेट मिलेगा ही नहीं, ऐसा भी होता है। सो ऑलवेज मेक श्योर कि आप कार का रोडवर्दी सर्टिफिकेट बनाओ, जो भी आपका मैकेनिक होगा वो। बस ये कार में एक ही प्रॉब्लम था, वो इसका टायर चेंज करना था, तो वो तो मैंने तभी कर दिया था, कुछ $80 या $90 में मैंने टायर चेंज किया था एक पीछे वाला, बाकी कार एकदम परफेक्ट है। सेकंड चीज़, यहाँ पे
अपने कार का रजिस्ट्रेशन होना कंपलसरी है, विदाउट रजिस्ट्रेशन आप कार नहीं चला सकते, और आपके नाम पे रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। मंथ, सिक्स मंथ्स और वन ईयर का होता है, वो तो डिपेंड है कि आप मतलब अगर आपके पास ज़्यादा पैसे तो आप सीधा वन ईयर का पे कर दो, बट आई वुड सजेस्ट थ्री मंथ्स का पहले लो और फिर सिक्स मंथ्स का, मतलब ऐसे रिन्यू करना पड़ता है। और थ्री मंथ्स की जो प्राइस है वो है अप्रॉक्सीमेटली $350 या $400 है थ्री मंथ्स का रजिस्ट्रेशन, और ये डिपेंड होता है हर कार का, मतलब जैसे 1.8 लीटर ये कार है, अगर कोई और अच्छी कार है, अगर कोई और लैम्बोर्गिनी वगैरह तो उसका तो बहुत ज़्यादा होगा, बट डिपेंड ऑन सिलेंडर, कितने सिलेंडर की कार है, तो वो सब आपको यहाँ पे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में आप जाओगे तब आपको मालूम पड़ेगा, मतलब जब आप रोडवर्थी सर्टिफिकेट उनको दिखाओगे। 1500 में सबसे मुझे ये बेस्ट डील मिले क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी, और एक कार मैंने ली है गमट्री से, मैंने एक्चुअली फेसबुक मार्केट प्लेस पे भी बहुत कार देखी, और एट द मोमेंट मुझे गमट्री पे ये सबसे बेस्ट डील लगी, क्योंकि यहाँ पे अगर जितने पैसे आप स्पेंड करोगे उतनी अच्छी कार मिलेगी। अगर स्टार्टिंग में ऐसी कार बेटर है क्योंकि मुझे हाथ साफ करना है, मतलब बोलते हैं ना कि एकदम थोड़ा ये कार अगर गलती से भी, मतलब ऐसा होना नहीं चाहिए, बट गलती से भी अगर डैमेज हो गई या फिर गलती से मैंने ठोक दी तो फिर दिल नहीं जलना चाहिए। सो बेसिकली फोर्ड रैप्टर बाद में लेंगे, पहले ये कार चलेंगे। फोर्ड रैप्टर मेरी फेवरेट कार है, यहाँ पे आने के बाद मैं मतलब वो पागल हो गया वो कार के पीछे, तो लाइफ में एक टाइम तो मुझे वो कार ओन करनी है, फोर्ड रैप्टर। पीछे से कार कुछ ऐसी दिख रही है और सीट्स एक्चुअल में बहुत कंफर्टेबल है, एक बार मुझे अंदर से वैक्यूम करना पड़ेगा तो वो तो, मतलब अभी जस्ट मैंने कार बाहर से वॉश की है। और ये क्या है, ये मेरा नहीं है, ये पहले बोल रहा हूँ ये मेरा नहीं है, ये जो अंकित नहीं अंकित नहीं विशाल भाई है उनका था, तो वो तो बाद में निकाल लेता हूँ मैं। और ये हमारे गणपति पापा, और कार एकदम परफेक्ट है। अभी लाइसेंस की बात करते हैं तो यहाँ पे इंडियन लाइसेंस वैलिड है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब जब आप नॉर्मल कार चलाते हो तो इंडियन लाइसेंस वैलिड है। कुछ सजेस्ट ऑस्ट्रेलियन लाइसेंस बना लो बिकॉज वो ज़्यादा बेटर है, तो यहाँ पे आके वो तो बाद में उसके लिए और एक वीडियो बनाऊंगा। अब एक काम करते हैं, छोटा सा एक टेस्ट ड्राइव लेते हैं तो आपको भी आइडिया आ जाएगा। एक काम करेंगे, छोटा सा थोड़ा फर्स्ट टाइम कार है ना तो इसलिए हाथों पे काम करने वाला, मैं छोटा सा एक टेस्ट ड्राइव लूंगा ये एरिया में, तो मैं व्लॉगिंग तो नहीं करूंगा, मतलब ये कैमरा ऑन रखूंगा और मैं एक्चुअल में इज्जत में चलाऊंगा बिकॉज व्लॉगिंग के चक्कर में कुछ गलत नहीं करना है मुझे। तो ऑटोमेटिक कार है तो ठीक है, खाली सिर्फ ड्राइव मोड में डालना है, हैंड ब्रेक नीचे। अभी मुझे लेफ्ट साइड में जाना है तो पहले मैं लेफ्ट साइड का इंडिकेटर दूंगा। पहले स्टार्टिंग में थोड़ा स्लो ही चलाऊंगा ऑफ कोर्स, क्योंकि कार सीखना है मुझे, मतलब यहाँ पे सीखना है और कॉन्फिडेंस आना चाहिए वो वाला। तो अभी यहाँ से अगर मुझे लेफ्ट लेना है, ये था फर्स्ट एवर टेस्ट ड्राइव और ये हैंड ब्रेक पे मैंने कर दिया। सो ठीक है, मतलब और थोड़ा टाइम लगेगा कॉन्फिडेंस आने के लिए और थोड़ा और ट्राई करेंगे, मतलब आगे जाके वीडियो बनाएंगे और जितना हो सके उतना। ठीक है, परफेक्ट। क्या बात है राहुल, कार एकदम अच्छे से लगाई, मतलब थोड़ी सी बाहर है बट ठीक है, मतलब मेन ठीक है, कार जा सकती है। तो आई होप आपको ये मेरी न्यू कार अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, बिकॉज आप में से 50% या 60% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब बिकॉज उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। और अगर आपको कुछ भी डाउट होंगे तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में पूछो, या फिर मेरा जो न्यू इंस्टाग्राम पेज है वहाँ पे आप मुझे पूछ सकते हो, flyaustralia.education यहाँ का तो होगा, तो वो फॉलो करो, आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी रिलेटेड टू फ्लाई, मतलब ऑस्ट्रेलिया, फ्लाई ऑस्ट्रेलिया पेज का नेम। दैट्स इट, मैं आपको मिलता हूँ नए वीडियो में कुछ नए कॉन्टेंट के साथ में, और बस आज पूरा दिन, मतलब फिर रात को भी वापस टेस्ट ड्राइव, मतलब यहाँ पे ट्राई करूँगा कार चलाना।